नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम आदमी बनकर बिहिया के स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एस सिद्धार्थ। 24 घंटे में 6 पुल गिरने पर जल संसाधन विभाग की सफाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल आया सामने। आज मिर्जापुर 3 होगा रिलीज, नए अंदाज में दिखेंगे पंकज त्रिपाठी। व्हाट्सएप के इस फीचर से मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं आप। बीते दिन भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस के लिए दिन भर रहा जश्न का दिन। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूको बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। बैंक में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक यूको बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 544 अप्रेंटिस के लिए की जानी है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट yukobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें। स्कूल में निम्न गुणवत्ता के बेंच डेस्क उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी पर होगी कार्रवाई। राज्य के सरकारी स्कूल में जिस एजेंसी के निम्न गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क दिए हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में इन एजेंसियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने चेतावनी दी है। अपने आदेश के तहत एस सिद्धार्थ ने कहा है कि विद्यालयों में निम्न गुणवत्ता वाले बेंच डेस्क नहीं बदलने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंद पड़े कंप्यूटर भी लौटाए जाएंगे, ठीक से काम नहीं करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों के कक्षा का निर्माण चल रहा है, वैसे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई सामुदायिक या अन्य सरकारी भवनों में चलेगी। ये सामुदायिक या सरकारी भवन स्कूल से 500 मीटर के दायरे में ही रहेंगे। 24 घंटे में 6 पुल गिरने पर जल संसाधन विभाग की सफाई। बीते दिन बिहार में 24 घंटे के अंदर 6 पुल गिरने के मामले सामने आए हैं। विपक्षी नेता सीएम नीतीश से लगातार इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इसी बीच जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि दोषी इंजीनियर पर कार्रवाई की जाएगी। टूटे पुल और पुलिया को एक हफ्ते के अंदर युद्ध स्तर पर काम करके बनाया जाएगा। इन पुलों को बनाने में जो खर्च आएगा वो ठेकेदार से वसूला जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि पुल पुलिया को सुरक्षित रखने के लिए इंजीनियरों द्वारा एहतियातन कदम नहीं उठाए गए और ना ही तकनीकी पर्यवेक्षण किया गया है। व्हाट्सएप के इस फीचर से मोबाइल डेटा को बचा सकते हैं आप। हम में से कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चैट करने के लिए सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए कई फीचर देता है। व्हाट्सएप में कुछ ऐसे भी फीचर है जो आपके मोबाइल डेटा को बचाने में मदद करते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पर किसी से कॉल पर बात करने जा रहे हैं और इस दौरान आप चाहें कि आपके मोबाइल का डेटा ज्यादा खर्च भी ना हो, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप के सेटिंग्स में स्टोरेज एंड डेटा सेक्शन में जाकर यूज लेस डेटा फॉर कॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया अपलोड क्वालिटी के जरिए भी आप अपना डेटा बचा सकते हैं। यदि आप किसी को कोई फोटो या वीडियो शेयर कर रहे हैं और तो इसे आप स्टैंडर्ड क्वालिटी में भेजें तो आपका डेटा कम खर्च होगा। पीएम कुसुम योजना के तहत सौर प्लांट के लिए बढ़ी निविदा की आखिरी तारीख। पीएम कुसुम योजना के तहत बिहार में 843 विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े कुल 1235 कृषि या मिश्रित फीडरों के सोलराइजेशन के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई निविदा की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 4 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। किसानों और कंपनियों के अनुरोध पर निविदा की ये तारीख बढ़ाई गई है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 7320924004 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में। ये भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रह चुके हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1946 में बिहार के खगड़िया में हुआ था। इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की और पार्टी के अध्यक्ष भी बने रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में ये केंद्रीय मंत्री भी रहे। अपने राजनीतिक जीवन में ये 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। आज इनकी पार्टी को इनके बेटे चिराग पासवान संभाल रहे हैं।
आम आदमी बनकर बिहिया के स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे एस सिद्धार्थ। आईएएस एस सिद्धार्थ हमेशा अपने खास और विनम्र अंदाज के लिए लोगों के बीच चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे सुनकर शायद आप भी उनके कायल हो जाएं। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ एक आम आदमी बनकर दानापुर से ट्रेन के जरिए बिहिया तक पहुंचे। स्टेशन के बाहर निकलते ही उन्हें सड़क पर खड़े स्कूली बच्चे मिले। उन्होंने बच्चों से सवाल किया कि स्कूल के समय में वे बाहर क्यों घूम रहे हैं। फिर उन बच्चों से एस सिद्धार्थ ने स्कूल का पता पूछा। जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्हें स्कूल के शिक्षक भी नहीं पहचान पाए। यहां आकर उन्होंने बच्चों के पढ़ाई की शैली और शिक्षकों के पढ़ाने की शैली आदि को देखा। वहीं जब वे प्रिंसिपल कार्यालय में पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर एस सिद्धार्थ को बैठाने लगे। इस पर एस सिद्धार्थ ने कहा, यह आपकी चेयर है, आप बैठिए। फिर उन्होंने बिहिया के इस स्कूल का निरीक्षण किया। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल आया सामने। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा जारी कर दिया गया है। पहले यह परीक्षा 7 दिन होने वाली थी और 31 अगस्त को भी परीक्षा का आयोजन होता, लेकिन अपडेटेड शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त के महीने में 6 दिन ही होगा। इन 6 दिनों में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को होगा। ये पूरे 6 दिन परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होगी, जिसका समय 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। हालांकि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को 9:30 बजे रिपोर्ट करना जरूरी होगा। नीट पेपर लीक मामले में रिमांड पर लिए गए 7 आरोपितों की फिर से बढ़ी रिमांड। बीते दिन नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिमांड पर लिए गए 7 आरोपितों को सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में पेश किया। इस दौरान इन आरोपितों को फिर से रिमांड पर देने का सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने आग्रह किया, जिसके बाद इन आरोपितों को 4 दिन की रिमांड सीबीआई को मिली। मामले को लेकर अमित कुमार ने बताया कि ये सभी आरोपित बहुत ही सादर हैं। अब आगे की पूछताछ के बाद इन्हें 7 जुलाई को अदालत में पेश किया जाएगा। फोन के खो जाने या चोरी हो जाने पर ऐसे अपने फोन में डिजिटल बैंकिंग को रखें सुरक्षित। किसी परिस्थिति में आपका फोन खो भी जाता है तो अपने फोन में कैसे डिजिटल बैंकिंग को सुरक्षित रखें, इसे जानना बेहद ही जरूरी है। फोन खोने पर सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने यूपीआई आईडी को ही ब्लॉक कर दें। गूगल पे पर यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने के लिए किसी भी फोन से गूगल पे कस्टमर केयर नंबर 1800-4190-157 को डायल करें। कॉल करने के बाद आपको कस्टमर केयर से इस पूरे मामले की जानकारी देनी होगी। फिर अपने अकाउंट से जुड़े डिटेल दें। जब आपकी आइडेंटिटी कस्टमर केयर के अधिकारी कंफर्म कर लेंगे तो आपके गूगल पे आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि आप फोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपके यूपीआई आईडी को बंद करने के लिए आप इसके कस्टमर केयर के नंबर 02268727374 या 08068727374 पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके यूपीआई आईडी को ब्लॉक करने के लिए 01204456456 पर कॉल कर सकते हैं। नदियों के जलस्तर को बढ़ता देख एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हुई अलर्ट। लगातार बारिश के कारण और नदियों के डिस्चार्ज के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिस वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा होने का डर बन चुका है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट हो चुकी है। बाढ़ की स्थिति बढ़ता देख गांवों में रैकी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में खास तौर पर नजर रखी जा रही है। यहां पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और चापाकलों की मरम्मत भी की जा रही है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी सहित और भी कई जगहों पर प्रशासन और अन्य अधिकारी बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अरवल में चौकीदारी के पदों पर निकली भर्ती। अरवल में चौकीदार के पदों पर निकली भर्ती। पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं आवेदन।
चौकीदार के रिक्त पदों पर जिला सामान्य शाखा समाहरणालय अरवल द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 223 पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म को भरकर मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नियोजनालय कार्यालय अरवल ब्लॉक कैंपस पिन कोड 8044401 पर 20 जुलाई से पहले तक भेजना होगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष व अनुसूचित जाति व जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष रखी गई है। महिला पुलिस कर्मियों के लिए थाने में बैरक का होगा निर्माण। महिला बैरक निर्माण बिहार के 600 थानों में किया जाने वाला है। महिला पुलिस कर्मियों के लिए थाने में बैरक निर्माण का फैसला बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा लिया गया है। इसके लिए जगहों का चुनाव भी किया जा चुका है। प्रदेश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इन्हें थाने में ही रहने की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी सह सीएमडी विनय कुमार ने बताया है कि महिला बैरक के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। आज मिर्जापुर 3 होगा रिलीज, नए अंदाज में दिखेंगे पंकज त्रिपाठी। आज मिर्जापुर 3 रिलीज होने वाला है। लंबे समय से मिर्जापुर के फैंस इसका इंतजार कर रहे थे। इस सीरीज में बिहार के पंकज त्रिपाठी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2018 में 2020 में इसके पहले और दूसरे सीजन ने लोगों के बीच धूम मचाया था। दोनों सीजन देखने के बाद मुन्ना भैया जिंदा है या नहीं, इसको लेकर सभी के बीच सस्पेंस बना हुआ है, जो आज खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 में कुल 10 एपिसोड है। 22 जुलाई से प्रदेश में इस साल का श्रावणी मेला शुरू हो जाएगा। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे प्रशासन भी तैयारियों में जुट चुका है। हजारों की संख्या में इस दौरान कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिलेगी। भागलपुर और सुल्तानगंज स्टेशन पर भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों के बीच स्टेशन का निरीक्षण DRM विकास दुबे ने किया है। उन्होंने बताया कि हर साल श्रावणी मेले में कुछ न कुछ अलग प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन इस साल अमृत महोत्सव के तहत स्टेशन को सुंदर बनाया जा रहा है। यहाँ पर फूड स्टॉल भी खोला जाएगा ताकि कांवड़ियां ट्रेन से उतरने के बाद तुरंत नाश्ता कर सके। सीएम नीतीश ने रमेश चंद्र मिश्र के निधन पर जताया शोक। प्रसिद्ध उद्योगपति और विद्या बिहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया के संस्थापक रमेश चंद्र मिश्र का निधन हो गया। इनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि स्वर्गीय रमेश चंद्र मिश्र एक उद्योगपति के साथ साथ शैक्षणिक कार्यों में गहरी अभिरुचि रखते थे। विद्या विहार शिक्षण संस्थान पूर्णिया की उन्होंने स्थापना की, जो राज्य के प्रमुख विद्यालय में से एक है। उनके निधन से सामाजिक, औद्योगिक एवं शिक्षा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। लगातार बारिश से प्रदेश में कई जगहों पर बनी बाढ़ की स्थिति। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आज भी मौसम विभाग द्वारा अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज सिवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और अररिया में एक या दो स्थानों पर अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और सुपौल में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के बेगूसराय में हो रहा रोजगार मेले का आयोजन। बिहार के बेगूसराय में श्रम संसाधन विभाग द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब कैंप 11 जुलाई को पनहंस चौक के समीप ITI कैंपस स्थित संयुक्त श्रम भवन के नियोजनालय में आयोजित होगा। ये रोजगार मेला सुबह 10:30 बजे से शाम के 4 बजे तक देखने को मिलेगा। इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो, साथ इनकी आयु सीमा 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसमें भाग लेने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि वे NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर आवेदन करें। रोजगार मेले में शामिल होने के दौरान अपने साथ जरूरी कागजात जरूर लेकर पहुंचे। पटना पहुंचते ही जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राजद को दी चुनौती।
संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा पहली बार पटना आए। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, खूब ढोल नगाड़े बजाए गए। वहीं पार्टी से नेता अशोक चौधरी ने संजय झा का स्वागत शंखनाद के साथ किया। इस स्वागत कार्यक्रम में जदयू ने राजद को भी कड़ी चुनौती दे डाली है। संजय झा ने इस दौरान कहा है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 177 विधानसभा सीट पर आगे रहा है और ये इस बात का संकेत है कि 2010 से भी बड़ी जीत 2025 में एनडीए को मिलने वाली है। आज 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजद भरेगी हुंकार। बिहार की जानी मानी पार्टी राजद का आज 28वां स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने आजाद अहमद ने बताया है कि इस मौके पर पटना स्थित प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता इस आयोजन में पहुंचेंगे। आयोजन के दौरान लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाते नजर आएंगे। साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। स्थापना दिवस समारोह में पटना, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद और अरवल के कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। बीते दिन भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस के लिए दिनभर रहा जश्न का दिन। इस बार भारतीय टीम पूरे 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है। भारतीय टीम की बीते दिन अपने वतन को वापसी हुई। इस दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। एक तस्वीर में देखा जा रहा कि किस तरह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ पीएम मोदी को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सौंप रहे हैं। इस तस्वीर में सभी ने इंडिया चैंपियंस नाम की खास जर्सी पहन रखी है। आपको बता दें कि कल शाम में टीम इंडिया ने विजय परेड निकाला। वहीं शाम 7 बजे वानखेड़े स्टेडियम में जश्न मनाया गया। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में फैंस को फ्री एंट्री मिली। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद विराट कोहली का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर हमें अपने आवास पर बुलाने के लिए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे 18 जुलाई को ब्रिटिश राजशाही की मंजूरी मिली थी। आज के दिन वर्ष 1968 में भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। आज के दिन वर्ष 1995 में पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। आज के दिन वर्ष 1960 में राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ था। ये भारत के निवेशक और शेयर बाजार व्यापारी थे। आज के दिन लोजपा के रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए आरबीआई ने बैंकों को दिए ये निर्देश। एक बैठक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को म्यूल अकाउंट बंद करने के निर्देश दिए हैं। यदि आप म्यूल अकाउंट नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये वैसे अकाउंट्स होते हैं जिससे अनैतिक यानी गलत तरीके से कमाए गए पैसों को इधर उधर किया जाता है। आरबीआई ने ये निर्देश डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए दिया है। साथ ही बैंक ग्राहकों को डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। बैंकों को यह भी कहा गया है कि वे मजबूत साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल सुनिश्चित करें, साथ ही थर्ड पार्टी से बचने के तरीके पर जोर दें। आज के वायरल खबर में हम जानेंगे वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा को लेकर इस दावे के बारे में। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जहां दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 50 से 85 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को पूरी तरह से फर्जी बताया है। इसलिए इस तरह की खबरों पर बिना सत्यापन के विश्वास करने से बचें। शेयर बाजार में देखी रिकॉर्ड तेजी। इन दिनों लगातार भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर क्लोज होता दिख रहा है। आईटी और फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी की वजह से बाजार में तेजी देखने को मिली है। बीते दिन के सत्र में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। साथ ही बीते गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड हाई क्लोज हुआ है। वहीं कारोबार खत्म होते ही बीएसई सेंसेक्स 63 अंकों के उछाल के साथ 80,049.67 एक्सचेंज का निफ्टी 17.55 अंकों की तेजी के साथ 24,302 अंक पर बंद हुआ।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 29 जून, ऑप्शन बी है 1 जुलाई, ऑप्शन सी है 30 जून, ऑप्शन डी है 3 जुलाई। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई। हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है सिक्किम। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है भारत। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? ऑप्शन ए है 603 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 633 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 673 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 687 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 673 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है पीर अली, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कुंवर सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विकास दास, अमित कुमार, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, मनीष यादववंशी, अनवर करीम खान, रवि कुमार गुप्ता, प्रज्ञा सिंह, संजीव कुमार, सादुल्ला पालवी, गुनर शर्मा, चुन्नू कुमार शर्मा, राकेश मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार आप गर्मी की छुट्टी में कहां घूमने गए? कमेंट में जगह का नाम और एक्सपीरियंस जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।